द म्यूजिकल हैकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा अमेजोन रीन्यू प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में कि किस तरह से हम उसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं, किस तरह की वो प्रोसेस रहती है। तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए बात कर लेते हैं रीन्यू प्रोडक्ट के बारे में कि रीन्यू प्रोडक्ट दरअसल होते क्या हैं। जब हम अमेजोन से कोई न्यू कंडीशन में कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो बाय करने के बाद उसमें ये डिफेक्टिव होता है या फिर कोई इशू आता है हमें, तो हम उसे 7 या 15 दिन की जो रिटर्न पॉलिसी रहती है तो उसके दौरान हम उसे वापस कर देते हैं। तो वापस होने के बाद वो अमेजोन पे जाता है और अमेजोन उसे सील ब्रेक होने के बाद न्यू कंडीशन में ना बेचकर उसे रीन्यू कंडीशन में बेचता है। तो काफ़ी कम प्राइस में हमें वहाँ से प्रोडक्ट तो देखने को मिल जाते हैं, पर उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग वारंटी नहीं मिलती। उसमें हमें 7 या 10 दिन की रिप्लेसमेंट तो मिलती ही है, साथ के साथ उसमें हमें 6 मंथ की सप्लायर वारंटी देखने को मिल जाती है। तो मैंने ऐसे ही एक ओप्पो एनको W31 मॉडल था, जो ईयरडॉट थे ओप्पो के, वो मैंने बाय किए। बाय करने के बाद 3 या 4 महीने बाद मेरे को उसमें एक ईयरडॉट में आवाज़ आना बंद हो गया। तो मैंने फिर अमेजोन से बात की कि इस तरह का इशू इसमें आ रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो फिर कंपनी वालों ने मेरे को बताया कि आप एक बार सर्विस सेंटर जाके ट्राई कर लो ओप्पो के, अगर आपको वहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप उनसे डिनाई लेटर बनवा लीजिएगा कि उन्होंने सर्विस देने से किस लिए मना किया। तो फिर मैं सर्विस सेंटर गया, तो सर्विस सेंटर जाने के बाद वहाँ से उन्होंने उसकी सर्विस के लिए मना कर दिया या फिर रिपेयर करने के लिए मना कर दिया। तो मैंने उनसे डिनाई लेटर तो बनवा लिया। तो डिनाई लेटर लेने के बाद मैंने कंपनी को दोबारा फिर मेल किया। मेल करने के बाद कंपनी ने बताया मेरे को कि आपको 7 या फिर 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, हमें सप्लायर को मेल करनी पड़ेगी कि इस तरह का इशू इस प्रोडक्ट में आ रहा है, क्योंकि इसमें वारंटी भी सप्लायर ही प्रोवाइड करवाएगा, मैन्युफैक्चरिंग उसमें सर्विस सेंटर मेरे हिसाब से प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो फिर उन्होंने मेरे को कुछ टाइम का वेट करने के लिए कहा कि इतने टाइम बाद आप कॉल करना। तो मैंने 10 या 12 दिन बाद अमेजोन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की और मैंने पूछा कि मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है या उस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका ये प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, तो हम इसकी पिकअप अरेंज करा देते हैं। तो उन्होंने 2 या 3 दिन बाद उसकी पिकअप अरेंज करा दी और वो प्रोडक्ट मेरे से पिकअप होने के बाद 3 या 4 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस इनिशिएट हो गया। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस अमेजोन रीन्यू प्रोडक्ट की वारंटी की रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल द म्यूजिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।